बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका होता है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होता है, और आपका एक्स पार्टनर आपसे कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद दोबारा से कांटेक्ट करता है। अब क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन रिलेशनशिप रह चुका है, तो आप में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ थी इसलिए तो वो रिलेशनशिप था, और कोई प्रॉब्लम हुई इसलिए रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, लड़के लड़की सब में ये कॉमन है, कि आपका एक्स पार्टनर आपको दोबारा कॉल करता है या कांटेक्ट करता है किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पे उसका कांटेक्ट करना यूं ही नहीं होता, रैंडम नहीं होता, उसके कुछ कारण होते हैं, और वो कारण क्या है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला कारण कि आपने उनसे कुछ ऐसा ले रखा है, आपके पास उनका कुछ ऐसा रखा हुआ है जो उन्हें आपसे वापस लेना है, फिर चाहे वो कोई पैसा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई गैजेट हो सकता है। और आजकल फ़ोटो वीडियो कॉमन है, कोई ऐसा प्राइवेट मोमेंट जो आपने उनके साथ बिताए होंगे और वो आपके पास रह गया, ये तो कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका हक बनता है कि वो आपसे मांगे। लेकिन इसके आगे कुछ और बात होती है। दूसरा कारण कि वो अभी किसी रिलेशनशिप में है और उसकी उस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी कोई कमी है उस रिलेशनशिप में जो आपके साथ फुलफिलमेंट हुआ करती थी, और अब क्योंकि फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो वो उस कमी को पूरी करने के लिए आपके आसपास फड़फड़ा। तीसरा, वो इसलिए भी आ सकता है कि वो आपको ये फील कराए कि हमारा जो ब्रेकअप हुआ है, अभी हम टुगेदर साथ में नहीं है, उसमें पूरी गलती आपकी है। आपको दुखी करने के लिए, आपको अंदर से हताश करने के लिए, आपको अंदर से तोड़ने के लिए अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा जो उस रिलेशनशिप की वजह से या ब्रेकअप की वजह से उसे मिला था, वो आपके अंदर डालने के लिए, आपके अंदर गिल्ट पैदा करने के लिए आता है कि देखो तुम्हारी इसी बिहेवियर की वजह से आज हम साथ नहीं हैं, तुमने ये गलती की इसलिए हम साथ नहीं हैं। तो ये बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, ऐसे लोगों से तो हमेशा ही दूर रहना चाहिए। ये एनर्जी शकर होते हैं जो आपकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं, आपकी लिविंग फोर्स ख़राब करते हैं। चौथा कि उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और वो आपको ये दिखाना चाहता है कि तुझसे अलग होके मैं बहुत खुश हूँ, तेरे जाने के बाद मेरी लाइफ तेरे और बेहतर हो चुकी है, मैं मज़े से जी रहा हूँ, और तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि तूने क्या खोया। पांचवा और एक बहुत ज़बरदस्त कारण कि अब आपकी लाइफ बहुत सही जा रही है, आपकी लाइफ इतनी सही जा रही है कि आपको देख के उसके अंदर ना चिड़ मच रही है, भसड़ मच रही है, कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आप इतने खुश क्यों, आप उसके बगैर लाइफ में इतनी जल्दी इतने अच्छे से मूव ऑन कैसे कर पाए, कौन है जो खुशी दे रहा है आपको, और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो इसलिए आपकी लाइफ में वापस घुस रहा है ताकि वो आपको किसी ना किसी तरीके से वापस दुखी कर सके, वापस अपने कंफर्ट जोन पे ला सके, आपको वापस उस स्टेज में ला सके जिसमें वो आपको देख के खुश रह सके। क्योंकि आपको तो ये पता ही होगा कि हम इंसान में एक ख़ास बात होती है, हम किसी के दुख को देख के दुखी हो ना हो, पर किसी की खुशी को देख के मिर्ची तो लगती है ब्रो। 3 डेट में वो लेसन याद है ना, कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। एक कारण और भी हो सकता है कि एक्चुअली में सच में उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और आपके पुराने रिलेशनशिप की वजह से उसे आप पर आज भी ट्रस्ट हो। किसी कारण से रिलेशनशिप ज़रूर ख़त्म हो गया, लेकिन आप में कोई ऐसी अच्छाई थी जिसकी वजह से वो आज भी आप पे ट्रस्ट कर सकता है या कर सकती है, इसलिए हुआ है। तो ये छठवां कारण जो है ना, जेन्यून है, तो इस पे हम सोच सकते हैं, लेकिन 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 बहुत ख़तरनाक होता है ये चीज़, क्योंकि उसके जाने के बाद आप वेले तो बैठे हो नहीं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप में तो हो गए ही, और अगर आप अपने एक्स से कोई भी कॉन्टेक्ट करते हो तो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना तो लाजमी है। तो भाई देखो, ऐसा है, अगर आपका प्रेजेंट पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
तो अपने पास्ट पार्टनर से कोई भी रिश्ता रखना आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है। मॉडर्निटी में लोग बोल देते हैं कि आफ्टर ब्रेकअप हम अच्छे फ्रेंड बन के रह सकते हैं, यूं ही रह सकते हैं, लेकिन ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। हर कोई रिश्ते का फ़ायदा उठाने की ही कोशिश करता है। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, तो मेरी सलाह है कि अपने एक्स पार्टनर से कोई कॉन्टेक्ट ना ही रखें। वो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐड करने के लिए तो आएगा नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा आपसे सिर्फ लेने के लिए। अगर आप देने को तैयार हैं तो दीजिए। वैसे भी मैं कुछ भी बोलूं, आजकल ज़्यादातर यंगस्टर्स 2-3-4 रिलेशनशिप में रहने में बहुत कंफर्टेबल हो गए। अपने पास्ट अफेयर में आज भी वो कंफर्टेबल है, फ्रेंडशिप के नाम पे ना जाने क्या क्या कर रहे हैं और अपना प्रेजेंट रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। ये एक तरह का लूप बन गया है। पास्ट रिलेशनशिप जाता है, प्रेजेंट रिलेशनशिप आता है, पास्ट रिलेशनशिप फिर से घूम करके आता है और प्रेजेंट रिलेशनशिप फिर से पास्ट बन जाता है। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। रिलेशनशिप से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम करते रहेंगे। इस साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने रिलेशनशिप में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, एक हेल्दी और पीसफुल रिलेशनशिप पा सकते हैं। याद रखना, कोई भी रिलेशनशिप प्लेजर के लिए नहीं होता, ना ही हैप्पीनेस के लिए, वो होता है पीस के लिए। पीस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी रिलेशनशिप में पीस नहीं है तो हैप्पीनेस तो मुश्किल है। और प्लेजर के लिए अगर कोई रिलेशनशिप है तो आप अच्छे से जानते हैं आपको क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते जी।